सऊदी अमरीकात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के तायुन के लिए मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में शिरकत से मुआसरत कर ली। सदर मुमलिकत के आईनी किरदार की राह में रोड़े अटकाने की कोशिशें तेज हो गयी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात की तारीख के तायुन के लिए सदर मुमलिकत ने इजलास तलब कर लिया। सदर के तलब करदा इजलास में इलेक्शन कमीशन ने शिरकत से इनकार कर दिया। ऐवान सदर को खत के जरिए इंतखाबात में मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली। वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला तो हत्ते से ही उखड़ गए। सदर मुमलिकत को मस्कीन और ना जाने क्या क्या कह गए। कहा सदर आरिफ अलवी इमरान खान के टाइगर बनने के बजाय अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाएं। वो जो प्रेसिडेंट है इनका, उसकी आप शक्ल देखें, वो ऐसा मस्कीन है कि उसको बात करते देखें लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा। उसका चेहरा ही ऐसा है। और उसने ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन सिर्फ इसलिए नहीं किए कि ये जो आईएमएफ के साथ वादा है ये को 10-15 दिन लेट हो जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी सदर मुमलिकत पर बरस पड़े। कहा आरिफ अलवी अपनी आईनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज ना करें और सियासत ना करें, अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन भी सदर मुमलिकत पर तंज करने से बाज नहीं आए। कहा सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्ला अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में मुलविस है। सदर मुमलिकत भी कप्तान के खिलाड़ी का किरदार निभाने के लिए बेकरार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।